के राह पुकारती है, सुनो के राह पुकारती है, चलो के मंदिर बुला रही है, चलो के मंदिर बुला रही है, सुनो के राह पुकारती है, सुनो। ग्यारह जून को इस तंजीम का आगाज किया जिसका आज हम 46वां यौमे तासीस मना रहे हैं। दुनिया भर में रहने वाले वफा परस्तों को 46वां यौमे तासीस बहुत बहुत मुबारक हो। जिए महाजिर, जिए मजलूम, जिए अल्ताफ। तो कहने वाले लोग कहते हैं कि उस 46 ईयर्स से लेकर अभी तक अल्ताफ भाई ने जो मजलूमों का जिस तरीके से साथ दिया है, जिस तरीके से उनकी मेहनत की है, तो वो और पत्तों के झड़ जाने से दरख्तों का वज़न कभी कम नहीं होता है। वही हाल इस वक्त एपीएमएसओ के बतन से निकली एमक्यूएम का है कि उसके वो तमाम जो पत्ते जो जिनके ऊपर कीड़े लग गए थे वो तमाम पत्ते गिर गए हैं और नए पत्ते इसके ऊपर उभर के आए। इन अशार के साथ में कि आज भी लगी है मंजिलों पे नजर, दिल में रखते हैं अजमे सफर आज भी, दिल शिकस्ता ना समझे जमाना हमें अपनी हिम्मत है सीना सफर आज भी। नारे अल्ताफ, वाजिब अल्ताफ, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, मोजेस खवातीन हजरात, अजीज तहरीकी साथियों, आप सबको APMSO का 46वां यौमे तासीस बहुत बहुत मुबारक हो। 46th फाउंडेशन डे ऑफ APMSO 1978 11th जून इज रिमार्केबल डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स and this APMSO give birth the huge political party that play a vital role in the history of politics, that is MQM. और आज भी गुजर रहा है इस कठिन जदोजहद में नौजवान साथी ही नहीं बल्कि ख्वातीन का भी बड़ा किरदार है। ये असर हाजिर के मीर और जाफर अगर मुसल्लत रहे सरों पर तो ये शहर के शहर गांव के गांव खाक व खून में मिला करेंगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। जमा हिम्मत मेरी पुख्ता इरादे, कोई मुश्किल मुझे मुश्किल नहीं है, नहीं मायूस अल्ताफी मैं रब से, मेरी फितरत में ये शामिल नहीं है। अपनी इसी नज़म के साथ अपनी बात का अख्तिताम करूंगा। जिए मुहाजिर, जिए मेरा कायद अल्ताफ, सदा जिए। और पाकिस्तानी फौज और ISI की बदनसीबी देखिए, कसम खुदा की तुमने जामिया कराची में रोका अल्ताफ हुसैन भाई को, आज पूरी दुनिया में APMSO का यौमे तासीस मनाया जा रहा है। अब तुम रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ, ये काफला अब रवा है, रवा रहेगा, अल्ताफ हुसैन भाई की कयादत में अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा। किसी के बाप में ताकत है तो आप रोक कर दिखाए, तुम्हारे पास बंदूक है, हमारे पास सीने, तुम्हारे पास गोलियां है, हमारे पास हौसले, अब रोक सको तो रोको। जो हमेशा पढ़ता हूं, अपना भी सफीना रवा है जानिबे साहिल, अपना भी सफीना रवा है जानिबे साहिल, हरचंद के तूफान की रफ्तार बहुत है, जब कुछ ना बन पड़ा तो डुबो देंगे सफीना, जब कुछ ना बन पड़ा तो डुबो देंगे सफीना, साहिल की कसम मिन्नत तूफान ना करेंगे। जी अल्ताफ, सदा जिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है, जो कुछ सहाफियों के साथ किया जा रहा है, उस पे भी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने आवाज उठाई और मजलूमों का साथ दिया, चाहे वो किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
आज का ये इज्तिमा है APMSO के 46वें यौम तासीस का। APMSO क्या है? APMSO एक लड़ाई का नाम है नाइंसाफी के खिलाफ। मुल्क में कुछ तबकात को, कुछ लिसानी इकाइयों को पहले दर्जे का शहरी और कुछ को दूसरे तीसरे दर्जे का शहरी बनाने के खिलाफ लड़ाई का नाम APMSO है। 11 जून 1978 को बानी कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कायम की। आज उसका 46वां यौम तासीस है। वक्त कम है, मैं चंद बात करूंगा आज इस 46वें यौम तासीस पर तमाम साथियों को, माओ बहनों बुजुर्गों को, और सबसे बढ़कर इस तहरीक के बानी, नजरिए के खालिक, तहरीक के खालिक कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन को APMSO का ये 46वां यौम तासीस बहुत बहुत मुबारक हो। तो मुल्क का मौजूदा आईन किसी एक कौम को आका बनाता है और बाकी कौमों को दूसरे और तीसरे दर्जे का शहरी बनाता है। ऐसा आईन जो कौमों को तकसीम करे, जो मुल्कों के अंदर कौम की दर्जा बंदी करे, ऐसा आईन जो नाइंसाफी को परवान चढ़ाए, ऐसा आईन खत्म होना चाहिए। अब मुल्क को नए आईन की जरूरत। दिल की अब आवाज है, आयत तेरी आवाज, आयत 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 तेरी आवाज, फतह हो जफर का साज है, आयत तेरी आवाज, आयत 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 तेरी आवाज, आयत 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 तेरी आवाज। सुन कर तेरी आवाज नया जोश मिला है, आयत ये तेरी हमसे मोहब्बत का सिला है, आवाज तेरी सुन के हर एक जख्म सिला है, आवाज तेरी सुन के हर एक जख्म सिला है, वो जिस पे हमें नाज है, आयत तेरी आयत तेरी आवाज है, मजलूम की पहचान, हर जालिम जाबिर के लिए जंग का है ऐलान, आवाज पे तेरी जो चली जाए मेरी जान, आवाज पे तेरी जो चली जाए मेरी जान, मेरे लिए एहसास है, आयत तेरी आवाज, आयत 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 तेरी आवाज, आयत 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 तेरी आवाज।
हर सोच की हर फिक्र की परवाज को बदला। आवाज ने तेरी हर एक अंदाज को बदला, अंजाम को बदला, मेरे आवाज को बदला, अंजाम को बदला, मेरे आवाज को बदला। सर बस तपस एक राज है, आए तो तेरी आवाज, आए तो आए तो आए तो तेरी आवाज, आए तो आए तो तेरी आवाज। हर दिल की अब आवाज है, आए तो तेरी आवाज, आए तो आए तो तेरी आवाज। हर दिल की अब आवाज है, आए तो तेरी आवाज, आए तो आए तो आए तो तेरी आवाज। फतह हो सफर का सांस है, आए तो तेरी आवाज, आए तो आए तो 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 आए तो तेरी आवाज। सभा कुछ तूने सुना कि मेहमान जो आने वाले हैं, भैया ना पिछाना राहों में अब पलके बिछाने वाले हैं, मैं गुजारिश करूंगा उस शख्स को जो हमारी आन है, जो हमारी शान है, जो हमारा ईमान है, जो हमारा दिल है, दिमाग है, प्यार है, मोहब्बत है, इस्तकबाल कीजिए अल्ताफ हुसैन। 77 साल से पाकिस्तान में यही हुकूमत जो ब्रिटिश एम्पायर के एजेंट्स से आज तक कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन ने 78 में कह दिया था, द आर्मी रॉयल इज कन्फाइंड टू देयर ओन लिमिट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन to defend the country, but sabzi bechne ye nikal liya hai, tarkari grocery store inka hai, doodh ye bechte hain, cement ye bechte hain, hatta ताकि कौन सी ऐसी चीज है नाम बताइए, बर्फ, बर्फ भी बेचते हैं, अस्करी, बाइक, बैंक, ओहो हो, बैंक के तो ये पूरे बैंक के पाकिस्तान के स्टेट बैंक के मालिक फौज है। फौज का मतलब आप खुद समझ लिया कीजिए, उस वक्त भी नहीं समझे थे और आज तक नहीं समझते। कहते अल्ताफ हुसैन फौज का मुखालिफ है, फौज का मैं कैसे मुखालिफ हूंगा, मैं खुद फौज में रह चुका हूं, मुझे मैं बॉर्डर पे 71 में सुमियानी बीच बलोचिस्तान सेक्टर पे मैं पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा था। अल्लाह 25-42
7 Baluch Regiment. मैंने अपने हाथ से खंदक खोदी हैं। बहरहाल जिस तरह अंग्रेज ने हिंदुस्तान में डिवीजन किया, पाकिस्तान में इनके गुलाम, एजेंट, टोडीज, हेंचमैन फौज के जर्नैलों ने पाकिस्तान में पूरी कौम को ही डिवाइड कर दिया। पंजाबी, बलोची, सिंधी, पख्तून, कश्मीरी, गिलगिती, बल्तिस्तानी। मैं कराची पहुंचा, मैंने कहा कि भाई मैं कौन हूं, व्हाट इज माय आइडेंटिटी, व्हाट इज माय आइडेंटिटी। बोला आप सिंध में है रहते हैं, सिंधी हैं, आप दिल पर या कुरान पर हाथ रखकर बताइए कि जिस तरह ईस्ट पंजाब से हिजरत करके आने वाले पंजाबियों को, जैसे नवाज शरीफ है वो भी जालंधर से आया है, तो जिस तरह वो एडजस्ट हो गए, क्या उस तरह उर्दू स्पीकिंग सिंध में सिंधियों ने एक्सेप्ट किए? ईमानदारी से बताइए, नहीं नहीं सच बताइए। जागीरदार बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेंटेलिटी जो है फ्यूडल मेंटेलिटी, माइंडसेट, मैं इसके खिलाफ था, हूं, जब तक जिंदा हूं रहूंगा। और फौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है, सियासत में मुदाखलत करना नहीं है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब, पूरी दुनिया जानती है, उन्हें फौजी लेकर आई थी, फौज के जर्नैल, आईएसआई, ये सब लेकर आए थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि खुदा वो करके ऐसी चीज दिखाता है जो इंसान के वहम गुमान में नहीं होती। आज वही इमरान खान जिसने पूरी कौम के सामने नहीं, पूरी दुनिया में ये कहा कि ड्रोन हमला, अमेरिकन इंटरवेंशन नॉट एक्सेप्टेबल। और उसने न्यू जनरेशन को बताया कि व्हाट इज फ्रीडम, आजादी के नारे लगते हैं ना, हम लेके रहेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे, अब कौन सी आजादी, किससे आजादी, जो बात मैं 78 में कहता था, आज खुदा का करना यह है, वही बात इमरान खान कह रहा है, वही बात आज पूरा पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान के नौजवानों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। अगर आपकी लीडरशिप पाकिस्तान में एहतजाज और मुजाहरे करके नवाब इमरान खान को जेल से बाहर नहीं लाती, तो आप मैदान में आइए, खुद कयादत अपने हाथ में लीजिए। जिस तरह का सिस्टम मैंने तरतीब दिया था, मैं 32 साल से 32 ईयर से आई एम लिविंग इन एग्जाइल, लेकिन मेरी पार्टी आज तक जिंदा है। यहीं बैठ के मैंने तीसरी मुल्क की बड़ी जमात, सिंध की दूसरी बड़ी जमात, यहीं बैठ के बनाया। अब ख्वातीन जेलों में है उनकी, इमरान खान की पार्टी की मर्द जेलों में है। इसी तरह 92 में नवाज शरीफ ने फौजी ऑपरेशन करवाया था, इसने हमारे पीठ में खंजर घोंपा। अजमे इस्तेहकाम, ये जो है ना अजमे इस्तेहकाम,
तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम जो है ये भी अब अज़्म है कि जब तक हम इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक के निजात नहीं मिलेगी इन फौजी जर्नैलों से। आइए जद्दोजहद कीजिए, आप सब शरीक होइए। अल्ताफ हुसैन न कल पंजाबियों का मुखालिफ था, सिस्टम का मुखालिफ था, हूं करप्ट फ्यूडल मेडिवल करप्ट फ्यूडल सिस्टम एंड द इंटरफेरेंस ऑफ आर्मी आईएसआई इन द पॉलिटिकल और गवर्नमेंट अफेयर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आई वॉन्ट टू इलिमिनेट द सिस्टम, आई वॉन्ट टू आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आई लव ऑल एंड आई लव यू ऑल। प्लीज आप नफरतें खत्म करें, हम सबको लड़ाया है इन फौज के अमरीकी बरतानवी एजेंट जर्नैलों ने। जपा करेंगे, कर्म करेंगे, कर्म करेंगे, कर्म करेंगे, कर्म करोगे, कर्म करेंगे, कर्म करेंगे, कर्म करेंगे, कर्म करेंगे, कर्म करेंगे, कर्म करेंगे। हर दिल की अब आवाज है, आयत तेरी आवाज, आयत 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 तेरी आवाज। हर दिल की अब आवाज है, आयत तेरी आवाज, आयत 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 तेरी आवाज। सफर का सांस है, आयत तेरी आवाज, आयत 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 तेरी आवाज, आयत 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 तेरी कर तेरी आवाज नया जोश मिला है। आयत ये तेरी हमसे मोहब्बत का सिला है। आवाज तेरी सुन के हर एक जख्म सिला है। आवाज तेरी सुन के हर एक जख्म सिला है। आयत तेरी आवाज है मजलूम की पहचान, हर जालिम जाबिर के लिए जंग का है ऐलान। आवाज पे तेरी जो चली जाए मेरी जान,
आवाज पे तेरी जो चली जाए मेरी जान, मेरे लिए एहसास है हायद तेरी आवाज, हायद 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 तेरी आवाज, हायद 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 तेरी आवाज। हर सोच की हर फिक्र की परवाज को बदला, आवाज न तेरी हर अंदाज को बदला, अंजाम को बदला।